नमस्कार, वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत। आप सब लोगों को पता है कि ये अपोलिटिकल प्लेटफॉर्म है। रोज जो घटना घटती है उसके बारे में हमारे जैसे कॉमन सिटीजन्स हु लव आवर कंट्री, उनको क्या लगता है ये हम इस पर बोलते हैं। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, या बड़े उद्योगपति है ऐसी भी बात नहीं है। वी आर जस्ट द कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट हु लव आवर कंट्री। मुझे पता है मेरे जैसे आज एक दो नहीं कोट्यावधि लोग ऐसे होंगे कि जिनको कल रात भर नींद नहीं आई होगी। क्यों? बराबर, पंजाब में जो कुछ हो गया उसके लिए हम सब लोग क्या बोलने का, मतलब दुख तो हो ही रहा है, चिंता भी हो रही है और लगता है कि क्या हो रहा है, भारत को क्या हो गया है। जैसे पारतंत्र के काल में लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूछा था, सरकार से डोक ठिकाणावर आहे का। हम सब लोग आज पूछना चाहते हैं कि जो भी कोई पॉलिटिशियंस है और विरोधी पार्टी है खास करके, उनको कि आपको पावर में आना है, सब ठीक है, फिर भी आप क्या गेम खेल रहे हैं। क्योंकि कल पंजाब में जब भी मोदी जी, हमारे पंत प्रधान है, वो जा रहे थे तो उनको जाने से रोका गया। इतना ही नहीं, हाईवे पे जब भी वो 100 किलोमीटर दूरी काट के आए हैं, 30-35 किलोमीटर की दूरी बाकी है और हाईवे पे वो खड़े हैं और उधर रोड ब्लॉक किया है। किसने? फार्मर्स लोगों ने। भी बहुत बहुत डर लगने लगा। फार्मर्स वो देश के ऊपर समझने लगे हैं, क्या बात है। इतना ही नहीं, उसके बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनका जो विधान आ गया, पहले तो हमने टीवी पे सुना कि वो रिस्पांस देने के लिए तैयार ही नहीं थे, बाद में उन्होंने जो बोला वो कमेंट भी बहुत गलत है। खाली इट इज़ नॉट ए फेल्यूर, बट वो बोल रहे हैं कि ये तो क्या लग रहा है उनको कि उनकी जो मीटिंग है ना, वो 7,000 लोग आने का वो सोच रहे थे और 700 भी लोग नहीं आए थे, इसलिए मोदी वापस गए। ये कमेंट करने का टाइम नहीं था। दूसरा है कांग्रेस का पुढ़ारी जो पंजाब वाला ही है, वो हाउ इज़ द जोश, मोदी ऐसे पूछ रहा है। और हमारे मोदी पंतप्रधान जो कभी भी नाराज नहीं होते, निराश नहीं होते, किसी नीचे स्तर की भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर ली तो भी वो चुपचाप सहन लेते हैं और बोलते हैं टीका टिप्पणी करना उनका काम है, मेरी ताकत तो बढ़ जाती है। तो भी जब एयरपोर्ट पे आने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ आपने सुना होगा तो आपको भी लगा होगा उसने क्या बोला। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे दिया और बोल दिया कि आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई केम सेफ ओवर हियर। तो ये जो लव शब्द है वो बहुत कुछ हमको कल क्या बोले परेशान कर गए। इसमें सच क्या है वो तो आ ही जाएगा। फिर भी पंजाब बोलेगा हम कांग्रेस रूल करते हैं तो मोदी जी को नहीं आने देंगे। ममता दीदी तो कैसे बिहेव करती है सबने देखा ही है। कल थर्ड महाराष्ट्र उठेगा, कांग्रेस शिवसेना और NCP की गवर्नमेंट है, हम मोदी जी को इधर आने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। पंतप्रधान जी ने भटिंडा एयरपोर्ट पे जो वर्ड्स कहे उसके साथ और भी उनके जो वर्ड्स है, जब उन्होंने खेती के जो कानून वापस लिए थे वो भी स्टेटमेंट आप जरूर याद कीजिए। जब भी वो कृषि कानून बनाए थे तभी से जब सब वापस ले लिए तब तक वो एक ही बोल रहे थे कि शेतकरी लोगों के भलाई के लिए वो बनाए थे और देश के भलाई के लिए मैंने वापस लिए हैं। तभी भी ऐसे लोग बोल रहे थे अपने अपने सर्कल में कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी और इसलिए मोदी जी ने ये कानून वापस ले लिए। कोई कोई इसको बोलते हैं कि ये फार्मर्स की जीत हो गई और मोदी जी की हार हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे लगता है, किसी को भी लगता है, एटलीस्ट द कॉमन पीपल लाइक अस। तो
ये तो बहुत बड़ा एक रैकेट है और कल का जो एपिसोड हो गया वो छोटा सा हिस्सा है। इसके आगे जाके ये लोग क्या करेंगे कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ, उधर के जो छात्र बोलते हैं ना देश के टुकड़े हजार, वो टुकड़े हजार करने के लिए ना हमको ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान की न चीन की, हमारे पॉलिटिशियंस ही काफ़ी है जो देश के ऊपर प्रधान के ऊपर खुद को मानने लगे हैं। और ऐसे तो हमको कॉमन लोगों को लगता है कि नाउ इट शुड बी द एंड ऑफ ऑल सच डर्टी पॉलिटिक्स, और कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, इन लोगों के ऊपर बहुत कड़ी ऐसी एक्शन लेनी ही चाहिए, माफ़ी इनको नहीं मिलनी चाहिए। देश के सबसे ऊपर है और हमारे प्रधान उनको ऐसे हाईवे पे रोक के रखना बहुत बड़ी गलती है। और शेतकरी समझते हैं कि, और खाली वो मैंने जानती हूँ, मैंने समझती हूँ कि सारे देश के शेतकरी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जो अभी उधर बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं और राकेश टिकैत, वो अभी मान रहे हैं कि शेतकरी सबसे ऊपर है। तो जैसे राणा प्रताप के बारे में बोला जाता है हम गवत की रोटी खा के जिंदा रहेंगे फिर भी देश को गिरा नहीं देंगे, या महाराष्ट्र में भी जब शिवाजी का काल आ गया तो उसके पहले दुर्गाड़ी का दुष्काल 13 साल था, लोग भूखे थे ना, तो भी उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा था। तो कुछ चंद मुट्ठी भर शेतकरी ऐसा समझते हैं हम देश के ऊपर है, तो ऐसे सारे शेतकरी उनके ऊपर जिंदगी के ऊपर थू, हम बोलते हैं हम भूखे रहेंगे फिर भी आपके लोगों के जैसा बनाया हुआ नहीं खाएंगे। सच प्रामाणिक शेतकरी भी बहुत है, वो कुछ खिलाएंगे वो हमारे लिए काफ़ी है। और ये भी मत भूलना कि कौन से भी देश में कौन सा भी एक शेतकरी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी एक प्रोफेशन कभी भी नहीं, पूरी समाज सब लोगों को मिलके बनती है। तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के शेतकरी, राकेश टिकैत और ये जो सब लोग हैं, और खलिस्तानी, हम जैसे टीवी चैनल्स देखते हैं वैसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि कितना पैसा प्रदेश से इन लोगों को मिला है, तो इसकी पूरी पूरी जाँच होनी चाहिए। किसी भी हालत में पंतप्रधान मोदी जी ने हमको जो डिग्निटी देश में और सारे जगत में ये दी है उसको हम खोना नहीं चाहते हैं। हमारे पंतप्रधान हमको बहुत प्यारे हैं और उनके ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना खाली बीजेपी वालों का काम नहीं है कि इसका धिक्कार करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम कॉमन पीपल सोच रहे हैं कि ये हुआ वो बहुत बुरा हो गया और ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत दुख और वेदना, पूरा देश कल असुरक्षित महसूस कर रहा था, ये सच बात है, क्योंकि पंतप्रधान जी को ऐसी ट्रीटमेंट, तो हमको ये क्या करेंगे, कैसे कुचल देंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमारी कुछ गलती है, हमका हमारा बोलना या काम करना या काम का तरीका उनको पसंद नहीं आता है, तो हमको तो दुनिया से ऐसे मिटा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मोला ही है क्या, वैसे कहने का टाइम अभी आ रहा है। बस धन्यवाद। मुझे पता है आप सारे मेरे साथ सहमत हो जाएंगे।